हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर। चलिए हम आज देखते हैं कि कैसे इजीली हम इसे घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने एक कैप्सिकम लिया है, एक प्याज, कुछ बारीक कटे हुए लहसुन लिए हैं और एक हरी मिर्च ली है। प्याज और कैप्सिकम को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। मैंने अब पनीर लिया है 250 ग्राम, इसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। हम लोग डार्क सोया सॉस लेंगे 4 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस लेंगे 1/2 टीस्पून, टोमेटो केचप 2 टीस्पून लेंगे, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून और विनेगर भी 1 टीस्पून लेंगे। इसके बाद अब मैदा हम लोग लेंगे 3 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर हम लोग लेंगे 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर लेंगे 1/2 टीस्पून छोटे चम्मच के, नमक स्वाद अनुसार और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लोग 1 टीस्पून लेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें मैदा डाल दिया। थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया इसमें। अब मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब हम लोग इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी थिक बैटर इसका प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रहे एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ये देखिए मेरा बैटर रेडी है। अब हम लोग इसमें पनीर को डाल देंगे। अब हम लोग पनीर को बहुत अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर के ऊपर एक कोटिंग आ जाए अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसके फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है। अब हम लोग इसमें पनीर को डाल देंगे। जैसे ही पनीर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसे हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के पनीर भी फ्राई कर लूंगी।
ये देखिए मेरे सारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी ग्रेवी की बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम लोग उसी तेल में सबसे पहले लहसुन डालेंगे। इसके बाद मैंने चिलीज डाल दिए। अब हम लोग इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम लोग इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। नमक आप लोग स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ध्यान रखिए ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। हम लोग थोड़ा सा जिंजर पेस्ट डालेंगे और सब कुछ को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही सब फ्राई हो जाए अब हम लोग सॉस डालेंगे। ये देखिए सोया सॉस डाल रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने रेड चिली सॉस डाला, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, 3 टीस्पून टमाटो केचप, वन टीस्पून व्हाइट विनेगर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हमें गैस की फ्लेम को हाई ही रखनी है। सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो बैटर हम लोग का बच गया था हम लोग वो डाल देंगे। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर बैटर नहीं है तो आप लोग 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में मिला के इसमें डाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। पानी हिसाब से डालना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ मुझे क्योंकि ग्रेवी चाहिए इसमें। इसे थोड़ा बॉयल होने के लिए छोड़ दे। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा शुगर डाला है। जैसे ही ग्रेवी बॉयल होने लगे अब हम लोग इसमें फ्राइड पनीर डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे और ध्यान रहे कि यहाँ पे गैस का फ्लेम हम लोग को हाई रखना है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ग्रेवी पहले से ही बनी हुई है और पनीर भी फ्राइड है, तो अच्छी तरीके से टॉस करके हम लोग अब गैस को बंद कर सकते हैं। ये देखिए मेरी चिली पनीर रेडी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम लोग इसे सर्व कर देते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।